दोस्तों पहला VidIQ, दूसरा TubeBuddy, अगर ये दोनों एप्लीकेशन अगर आप चलाना सीख गए तो आपका चैनल का ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है, अगर आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, अगर आपका वीडियो वायरल भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों एप्लीकेशन आपका वीडियो वायरल भी कराएगा, आपका व्यूज भी बढ़ाएगा और सही रास्ता में आपको ले जाएगा। दोस्तों आपको नहीं पता है कि मेरा कौन सा रास्ता सही है। मैं यूट्यूब पर काम तो कर रहा हूँ लेकिन ऐसे ही किए जा रहा हूँ, लेकिन कौन सा मेरा आइडिया सही होगा, यानी कि कौन सा कैटेगरी सही होगा, कौन से दिशा में जाने से सही होगा, तो ये सारा चीज बताएगा आपको TubeBuddy एप्लीकेशन और VidIQ एप्लीकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा TubeBuddy एप्लीकेशन चलाना सिखाऊंगा। दोस्तों VidIQ एप्लीकेशन को कैसे चलाना है, उसको कैसे सही तरीका होता है उसको यूज करने का, ये बताऊंगा फिर किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ TubeBuddy एप्लीकेशन के बारे में, इसको कैसे चलाना है। और इस एप्लीकेशन को मैं आज से नहीं, पिछले 4 सालों से यूज कर रहा हूँ। अगर इसका रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल का देख सकते हो। सारा जो आपको एरो जो ग्रीन दिखता है ना, ये क्यों दिखता है पता है? इन्हीं एप्लीकेशन की मदद से। मैं इन दोनों एप्लीकेशन को यूज करता हूँ और यही मुझे बताता है कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे वीडियो वायरल करना है, कैसे व्यूज आपका बढ़ेगा, सारा चीज मुझे टोटल दिशा दिखाता है ये दोनों एप्लीकेशन। दोस्तों ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इसको यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने व्यूअर को बता रहा हूँ, अपने सब्सक्राइबर को बता रहा हूँ। अगर मैं इससे बेनिफिट उठा रहा हूँ तो आप भी इससे बेनिफिट उठाओ, आप भी अपने चैनल का ग्रोथ बढ़ाओ। दोस्तों अगर आप लोग हो तो मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं तो मैं कहाँ से हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़ो। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा TubeBuddy एप्लीकेशन के बारे में, इसके कारण मेरे चैनल का ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों देखो सारा मेरा जो व्यूज होता है, जो सब्सक्राइबर होता है, जो वॉच टाइम होता है, सारा मेरा ऊपर ग्रीन टिक है। क्यों? इतना व्यूज कैसे आ रहा मेरे चैनल पर? इन सारे एप्लीकेशन का कहीं ना कहीं सपोर्ट है। प्लस में मेरा और सेकंड चैनल है, उस पर भी देख सकते हैं काफी अच्छा व्यूज आ रहा है। पिछले वीडियोस पर नहीं आ रहा था लेकिन अभी देख सकते हो सारे वीडियोस पर अचानक काफी ज्यादा व्यूज आ रहा है। क्यों आ रहा है? उन्हीं एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों आज मैं आपको चलिए बताता हूँ कि TubeBuddy एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और कैसे आप इसके थ्रू अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो, इसके थ्रू आप व्यूज बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि TubeBuddy एप्लीकेशन को चलाने का सही तरीका क्या होता है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का यहाँ पे विनर देख सकते हैं, तो इस भाई का चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कर दिया हूँ एंड अपना कम्युनिटी पोस्ट में, तो जाके पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसके चैनल को सपोर्ट करो। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप इधर चाहते अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप इधर आते हैं तो आपका चैनल का लिंक मैं एक साथ दोनों जगह प्रमोशन कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब दोस्तों देखिए मैं आ चुका अपने मोबाइल स्क्रीन में, अब आपको लाइव दिखाता हूँ कि TubeBuddy एप्लीकेशन को आपको कैसे चलाना है, इससे कैसे आपको अपने वीडियोस को वायरल करना है, कैसे अपने व्यूज में इंक्रीज करना है, यानी कि सब चीज आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करके यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है TubeBuddy एप्लीकेशन। और ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ खुद से, मुझे अच्छा लगा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर आप TubeBuddy, पहले आपको TubeBuddy सर्च करना है तो आपको मिल जाएगा TubeBuddy एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन में आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि मेरा चैनल हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं खुद अपना चैनल को लॉगिन करके रखा हूं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा हूं ऑलरेडी, ठीक है, डाउनलोड करके रखा हूं, तो यहां पर मैं कर लेता हूं ओपन। यहां पर देखो इसका यहां पर भी दिखाता हूं अपने होम स्क्रीन में, तो यहां पर ये वाली एप्लीकेशन मेरा है। तो जैसे TubeBuddy एप्लीकेशन को मैं करता हूं ओपन, तो मैंने ओपन किया, आप देखिए इसका जो फर्स्ट आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है। अब यहां पर देखो मेरा मेन चैनल अभी लॉगिन है क्रिएटर सर्च 2.0, जिसमें 5,59,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं इसी के वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं इसका भी सपोर्ट है। मेरा तो काम ही है और आप लोगों का सपोर्ट है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी सपोर्ट है। दोस्तों इसका भी सपोर्ट से मेरे चैनल का जितना ग्रोथ दिख रहा है। अब देखिए आपको इसको यूज कैसे करना है, तो यहां पर देखिए TubeBuddy एप्लीकेशन को जैसे ओपन करते हैं तो यहां पर देखिए पहले तो यहां पर मैं मेनू पर क्लिक करता हूं। यहां पर देखिए मेनू पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको अपने चैनल को लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। यहां पर देख सकते हैं मैंने कई सारे चैनल को लॉगिन करके रखा हूं, 3 चैनल लॉगिन किया हूं, पहला क्रिएटर सर्च 2.0, दूसरा क्रिएटर सर्च और तीसरा और एक मेरा ब्लॉग चैनल है जो कि उस पर मैं वीडियो नहीं डालता हूं, बस ऐसे चैनल ओपन कर रख दिया हूं। अब देखिए भाई यहां पर मैं चलिए क्या करता हूं अपना मेन चैनल को लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर देखो दोस्तों मैंने अपना जीमेल आईडी को यहां पर ऐड कर लिया है जिस पर मेरा यूट्यूब चैनल है। अब आपका जिस प्रकार से YT स्टूडियो में सारा वीडियो दिखता है उस प्रकार से यहां पर भी आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल YT स्टूडियो के जैसा। लेकिन फर्क इतना है कि YT स्टूडियो एप्लीकेशन आप वहां पर सारा एडिट वगैरह करते हो और यहां पर ये आपको बताता है कि आपके वीडियोस में कमियां क्या है, कैसे व्यूज आपका कम आ रहा है, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आपका वीडियो वायरल होगा, वही सब बताता है। यहां पर देखिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया हूं अभी तुरंत 2 घंटा पहले। अब इस वीडियो को मैं कर लेता हूं ओपन।
अब वीडियो ओपन करता हूँ, उसके बाद देखो यहाँ पर वीडियो आई क्यू एप्लीकेशन मेरा रिसर्च कर रहा है कि मेरा थंबनेल सही है या नहीं है। यहाँ पर देखो मेरा थंबनेल में आ गया है ग्रीन टिक, इसका मतलब मेरा थंबनेल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है, सही है, कोई दिक्कत, मेरा थंबनेल मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज ये बताता है ट्यूबबडी एप्लीकेशन कि आपका थंबनेल, मतलब अगर आपका खराब होगा तो आपको थंबनेल वाली जगह पर भी इस तरह का देखने को मिलेगा, थंबनेल वाली जगह पर यहां पर भी आपको ये वाली ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर खराब होगा तो आपको वहां पर क्या करना है, अपने थंबनेल को चेंज कर देना है, एक अच्छा थंबनेल बनाना। दूसरा, जब आपके थंबनेल में ग्रीन टिक आ जाए तो समझ जाना आपका थंबनेल सही है, थंबनेल में नो डाउट, आपको बिंदास रहना है, थंबनेल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए भाई, दूसरा चीज आपको यहां पर बताता है ट्यूबबडी एप्लीकेशन आपका टैक्स, यहां पर देखिए टैक्स क्या बताता है, एड, यहां पर देखो एड टैक्स योर टाइटल, यानी कि आपका टाइटल में जो कीवर्ड डाले हो वो कीवर्ड सही है या फिर नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि अपने टाइटल में हमेशा एक कीवर्ड को दो बार लाना है, एक शब्दों को दो बार लाना है, जैसे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं दो बार रिपीट करना है। तो अगर आप दो बार अपने टाइटल में रिपीट करते हो शब्दों को तो वहां पर आपका एसईओ में फिट होता है, यूट्यूब का एसईओ में जाकर फिट होता है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक, यानी कि आपका टाइटल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा अपने टाइटल में एक कीवर्ड को दो बार लाना, उससे आपका कहीं ना कहीं टाइटल जबरदस्त होता है, ठीक है। और जब आपका यहाँ पर टाइटल में भी ग्रीन टिक आ जाए तो समझ जाना आपका टाइटल सही है। अब देखिए तीसरा चीज बताता है ए टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ये वाली, इसको मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको ए टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो देखने को मिल रहा है ये वाली, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो डिस्क्रिप्शन में टैक्स देते हैं, कीवर्ड डालते हैं, मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालता हूँ, योर क्यूरीज लगा करके बहुत सारे कीवर्ड डालता हूँ, तो वो क्यों डालता हूं, ताकि यहां पर मेरा ग्रीन टिक आ जाए। अगर यहां पर ग्रीन टिक आ गया तो समझ जाना आपका डिस्क्रिप्शन सही है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड डालना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड डालते हो तो उससे कहीं ना कहीं आपका वीडियो रैंक करता है। तो हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको कीवर्ड डालना है, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने कीवर्ड से रिलेटेड, अपने टाइटल से रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड वहां पर डालना है डिस्क्रिप्शन में, जिसके कारण आपको यहां पर भी दिख जाएगा आपको ग्रीन टिक, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जब आपका थंबनेल भी सही हो जाए, आपका यहां पे टाइटल भी सही हो जाए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी सही हो जाए, तो समझ जाना आपका सारा चीज सही है, यानी कि आपका वीडियो वायरल होने के लिए रेडी है। बाकी दोस्तों आपको ये सारी ऑप्शन मिल रहा है, इसको उतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, अपना इंड स्क्रीन लगा सकते हो, यहाँ पर देखिए इंड स्क्रीन लगा सकते हो, एड आई कार्ड लगा सकते हो, सारा चीज इसको भी लगा सकते हो, तो आपका सारा ग्रीन टिक यहाँ पर दिख जाएगा। ये जरूरी नहीं है आपका वीडियो वायरल करने के लिए, जरूरी नहीं है, दूसरा वीडियो को प्रमोट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन टिक दिखेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो मिलता है आपको टैक्स वाली सेक्शन, तो मैंने आपको जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब देखो टैक्स वाली सेक्शन में मेरा कीवर्ड यहाँ पर रैंक कर रहा है, जो कि देखते हैं ये सारे कीवर्ड, तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हूँ कि जो कीवर्ड आपका रैंक ना करे उस कीवर्ड को यहाँ से हटा देना और वहाँ पर दूसरा कीवर्ड को ऐड कर देना, दूसरा कीवर्ड को ऐड कर देना। जैसे कि देखते हैं ये वाली कीवर्ड मेरा रैंक नहीं कर रहा है तो इसको हटा देना, इसको हटा करके अब दूसरा कीवर्ड डाल देना, वो दूसरा कीवर्ड कौन सा डालना, आप इस वीडियो को अपने YT स्टूडियो में निकाल लेना और वहां पर आपको YouTube सर्च टर्म में जो भी दिखेगा उन सारे कीवर्ड को डाल देना, तो आपका रैंक करता हुआ यहाँ पर दिख जाएगा और काफी ज्यादा मदद मिलता है इनसे आपका वीडियो को बूस्ट होने में, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आप कर सकते हो, बाकी अपने टैग्स को यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हो, यहाँ से टैग्स को ऐड भी कर सकते हो, कोई टैग्स को डिलीट करना है यहाँ से वो भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पूरा अपना एनालिटिक्स वगैरह देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखिए आपको ये जो सारा चीज मिल रहा है, जैसे कि आप अपना URL को यहाँ से कॉपी कर सकते हो, अपने टाइटल को कॉपी कर सकते हो, कॉपी वीडियो टैग्स को कॉपी कर सकते हो, अपने सारे आपके वीडियो में जितने भी टैग्स लगाए वो सारा टैग्स को कॉपी कर सकते हो यहाँ से। बाकी यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हो, उसके बाद थंबनेल को URL को कॉपी कर सकते हो, थंबनेल वाला URL, अपने थंबनेल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो खुद का थंबनेल वाला, तो आप यहाँ से URL को कॉपी करके बाकी आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अपने थंबनेल को सेव भी यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो यहाँ से, इस एप्लीकेशन का मैं जो यूज करता हूँ मेन काम वो करता हूँ टैक्स यहाँ से देखने के लिए, मेरा टैक्स रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चीज देखने के लिए मैं यूज करता हूँ। तो दोस्तों यही कुछ ट्यूबबडी एप्लीकेशन का काम है, अगर इन सारे काम को अगर आप समझ गए, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है, यहाँ पर देखिए टैक्स वाला प्रोसेस, अगर आपका जो कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा उसको हटाना है, दूसरा लगाना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आपको तीनों मिल रहा है, जब तक आपका ये तीनों ग्रीन टिक ना आए तो समझ जाना कि आपका वो प्रॉब्लम है, अगर थंबनेल में ग्रीन टिक नहीं आए तो आप समझ जाना आपका थंबनेल खराब है, अगर आपका टाइटल में नहीं आए समझ जाना थंबनेल आपका टाइटल खराब है, अगर आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रहा समझ जाना आपका डिस्क्रिप्शन में कमियां है। तो इन सारे कमियां को आपको पूरा करना है, और अगर ये सारे कमियां को पूरा करते हो तो आगे से आपका वीडियो अच्छा लेवल में जाएगा और 100% वायरल होगा, क्योंकि इन सारी चीज को इंप्रूव करना सीख जाओगे यहाँ से,
तो 100% आपका वीडियो चलेगा। अब बाकी इतना चीज ये बताया, उसके बाद आपको अपने वीडियोस में काम करना है, यानी कि अच्छी तरह से वीडियो बनाना है, वीडियो में फोकस करना है, ठीक है, तो उसके बाद 100% आपका वीडियो चलेगा। सारा कमियां जब मेरा यहाँ पर पूरा हो रहा है, जब ये एप्लीकेशन सारा आपका कमियां बता देगा कि ये कमियां आप करते हो, ये सारा आपका प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो अगली बार, और इससे आपका वीडियो वायरल होगा, आपका चैनल का ग्रोथ होगा। पर्सनली मैं इन सारे चीज को इम्प्रूव किया हूँ। पहले के मेरे थंबनेल देखो जाकर, पहले के मेरे टाइटल देखो, बिल्कुल जीरो लेवल का था, लेकिन इन्हीं सारे एप्लीकेशन की मदद से ये सारा चीज़ को मैं इम्प्रूव करना सिखाऊं, और जिसके कारण आज मेरे चैनल का ग्रोथ है। तो सर ट्यूब बडी एप्लीकेशन का बस इतना सा काम है, बाकी मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा बीडी आईक्यू एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।